ये मैप है एशिया का, और एशिया को 6 रीजन्स में हम देख सकते हैं, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेस्ट एशिया। एक्चुअली हम इनको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब भी हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन, किसी कंट्री की या किसी भी और प्लेस की जब लोकेशन पता होती है, तो वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना अपने ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आपको, आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होगी ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान की पोजीशन कहाँ जैसे है, हमें आपको ये तो पता है कि इंडिया ही है, बट आपको ये भी पता होगा ना अगर माइंड में कि ईरान किस साइड को है, कि लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, इंडिया की किस जैसी पोजीशन पे है। तो अगर कोई भी बात, न्यूज़ देखेंगे आप या कोई भी चीज़ देखेंगे, तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करेगा और वो चीज़ हमेशा के लिए वहीं स्टोर हो जाएगी। सो लोकेशंस देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वेस्ट एशिया से स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो हम यहाँ चलते हैं नंबर वाइज। ये है एशिया वाला रीजन जो आपको अभी दिख रहा है मैप पे। तो हम देखते हैं यहाँ से, ये है यमन, ओमन, सऊदी अरेबिया, ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, जो आप दुबई सुनते हैं बहुत बार सुनते होंगे, कई लोगों का ड्रीम होगा वहाँ जाने का, कई लोग जा भी आए होंगे, तो ये है दुबई, यूएई में पड़ता है दुबई। ओके, यहाँ पे है कतर, यहाँ पे है बहरीन, ये है कतर, ये है बहरीन, ये है कुवैत, ईरान, इराक, जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, साइप्रस, सीरिया, ये है सीरिया, ये है टर्की, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, और ये है ईरान। बीच में पड़ता है इनके पर्शियन गल्फ, ये ब्लू वाला एरिया, ये है पर्शियन गल्फ। और जब हम इस साइड को आ जाएंगे तो ये हमारा है प्यारा इंडिया। इंडिया की लोकेशन के इस साइड को पड़ता है ये वेस्टर्न एशिया, ये वाला वेस्टर्न एशिया का ही एरिया है। ओके,